नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष में खाना है आपको ये तीन चीज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं, जो अश्विनी मास की अमावस्या में खत्म होते हैं। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने स्वजनों के यहाँ जाकर के तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण और पिंडदान ग्रहण करके पितृपक्ष की अमावस्या को वापस अपने पितृलोक में चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। ये 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों के लिए तर्पण करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह पितरों के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के कई नियम बनाए गए हैं। यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते, ये सब वर्जित हो जाते हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भूल करके भी आप पितृपक्ष के दौरान सेवन ना करें, नहीं तो पितृदोष लगता है। इन दिनों भोजन का विशेष महत्व होता है। साथ ही आपको पितृपक्ष के दौरान तीन चीजें आपको जरूर खा लेनी है। इस दौरान आपको पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जरूर खाना है, जिनको आप पितृपक्ष के दौरान ना सेवन करें और इन चीज़ों को ब्राह्मणों को भोग ना लगाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जरूर खा लेने चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो चलिए जानते हैं कि किन चीज़ों का ज़्यादा महत्व है और किन चीज़ों को खा सकते हैं और किन चीज़ों को भूल करके भी खानी नहीं है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों के भोजन में आपको इन चीज़ों को शामिल ना करें, लेकिन तीन चीज़ जरूर शामिल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को यह शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा यह सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही पितरों को और ब्राह्मणों को भोग लाएं जो पितरों को पसंद है, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलती। यही कुछ हम गलतियां कर बैठते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। और हम भूलवश लहसुन और प्याज वाला भोजन ब्राह्मणों को भोजन बना करके पेश कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पितरों को जो पसंद था उनका ही खाना बना करके देना चाहिए। लहसुन प्याज मीट अंडे सेवन का नहीं करना चाहिए। पितरों के दौरान पितरों के भोजन में यह सब चीजें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितरों को पितृदेव कहा गया है। पितरों का श्राद्ध तर्पण भोजन सबसे पहले विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को मिलता है, उसके पश्चात पितरों को मिलता है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के भोजन में प्याज लहसुन मांस अंडे मीट का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना होता, यह वर्जित माना गया है। मीट अंडा, अगर आप पितरों के भोजन में ये चीजें मीट अंडा प्याज लहसुन, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्वीकार नहीं करेंगे और पितृदेव भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तामसिक भोजन बिल्कुल भी आप ना बनाएं। बहुत से लोग मांस मदिरा तामसिक भोजन बना लेते हैं, अंडे मांस और यानी तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन, मीट अंडे वगैरह बना करके किसी को भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इन तीन चीजों को आपको बिल्कुल ना परोसें। द्वार पर आए कोई भी व्यक्ति को बासी भोजन ना कराएं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे आप पितरों को बासी भोजन दें तो इससे आपको पितृदोष लगेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ना बासी भोजन करें और ना किसी को बासी भोजन करने दें। पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित बनाया गया। चने का सत्तू भी नहीं खाना चाहिए, बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चने का बेसन आप जरूर पितृपक्ष के दौरान खाएं। बेसन की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन काले चने और भुने चने का आपको प्रयोग बिल्कुल भी पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय चावल दाल रोटी कच्चा ना भोजन नहीं बनाएंगे।
जब भी ब्राह्मणों को भोजन बनाए तो पक्का भोजन में पूरी कचौड़ी पराठे खीर मालपुआ आदि बना सकते हैं। थोड़ी सी दही आप जरूर उसमें लें। कच्चा भोजन आप कर सकते हैं लेकिन ब्राह्मणों को आप पक्का भोजन ही कराएं, क्योंकि वो पितृ स्वरूप ही होते हैं। इस दिन आपको विशेष रूप से इन तीन चीजों को जरूर खानी है और ब्राह्मणों को भी खिलानी। पितरों को भोजन बनाते समय, ब्राह्मणों को भोजन कराते समय आप यानी क्या करें, आप मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी या बड़े बनाकर ब्राह्मणों को खिलाएं और स्वयं खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली चीज है कि आपको मूंग उड़द दाल की बड़े बनाकर के दही बड़े बनाकर आप खा सकते हैं और ब्राह्मणों को खिलाएं। दाल नहीं बनाएं। पितर के दौरान पर मसूर की दाल का भी सेवन ना करें, शास्त्रों में ये बताया गया है। इस दौरान आप काले नमक काले चने का भी सेवन ना करें। और बताते हैं कि लौकी खीरा और सरसों का साग ना खाएं और ना खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बंद गोभी के पत्ते भी आप ब्राह्मणों को ना परोसें। कुमड़ा भी आप ना खाएं और ना ही खिलाएं ब्राह्मणों को। सात पक्ष में आपको खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित बताया गया है। इन चीजों को आप बिल्कुल भी ना करें। लेकिन कौन सी चीज है जो आपको पितृ पक्ष के दौरान खाना है? दोस्तों, ब्राह्मण भोजन में आप खीर जरूर परोसें। खीर का विशेष महत्व है। खीर बनाकर आप ब्राह्मणों को परोसें और स्वयं खाएं। पितृ पक्ष के दौरान आप नींबू का भी सेवन ना करें। लेकिन दोस्तों, खीर आप उसी गाय के दूध का बनाएं जो जिसका तत्काल बच्चा हुआ है। उस गाय का दूध ना खाएं और ना उसकी खीर बनाएं। और 15 दिन हो गए हैं बच्चे के, उसी ही गाय का दूध की खीर बनाएं और खुद ग्रहण कर ब्राह्मण दें। पितृ पक्ष के दौरान दही का सेवन करना भी अच्छा है। उसके साथ थोड़ी सी आप खांड मिला सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं या शक्कर भी मिला सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ होगा। और दोस्तों आपको बता दें, इस दिन दूध की खीर बनाकर उसका भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भोग लगाएं, स्वयं भी खाएं। इससे विशेष लाभ होता है। और साथ ही साथ दही बड़ा भी बना करके आप खा सकते हैं, वही मूंग उड़द की दाल का। यानी आप पक्का भोजन ही खाएं, पूरी कचौड़ी वगैरह ही आपको खाना है। इन तीन चीज़ों को आपको विशेष रूप से खाना है। पक्के भोजन में पूरी कचौड़ी दही दही बड़ा और पक्के भोजन में आप खीर भी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। और यही पक्के भोजन आप ब्राह्मणों को खिलाएं और स्वयं भी खाएं। हालांकि इस दौरान दूध के बने कोई भी चीज़ खा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों तीसरी चीज़ है तिल। तिल का सेवन जरूर करें पक्ष के दौरान। और जो ब्राह्मण आए हैं भोजन करने, उनको भी जरूर परोसें। यदि आप खीर में भी थोड़ा से डाल दें काला तिल, तो विशेष लाभ होता है। काले तिल का भी आपको इन दिनों सेवन जरूर करना चाहिए। आपको काला तिल पितृपक्ष में खाना है। दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाए उसमें तिल अवश्य डालें। पितृपक्ष में भोजन बनाए और स्वयं भी ग्रहण करें। जो आपको स्वयं खाना है उसमें काले तिल भी मिला करके खाएं। ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या जरूरतमंद को दें, तो आपको उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। काले तिल खाना पितृपक्ष के दौरान बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन भोजन में काले तिल होते हैं पितृपक्ष दौरान, उसे भूत प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसलिए किसी पितरों के नाम से जिसको भोजन दे, उस भोजन में काले तिल अवश्य डालें। काले तिल खाना पितृपक्ष के दौरान बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं पितृ ग्रहण करते हैं। जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं, उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितरों के भोजन में काले तिल डाल करके ही परोसें और पितरों को भोग लगाएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और अपना पूरा आशीर्वाद आपको देते हैं। तो दोस्तों पितृपक्ष में खाना है तीन चीज, यानी पक्का भोजन पूरी कचौड़ी बनाएं, दही बड़े यानी उड़द के दाल के दही बड़े बनाएं, कचौड़ी बनाएं, साथ ही खीर बना करके खाएं। खीर बनाना पितृपक्ष में बहुत ही अच्छा माना जाता है। काले तिल डाल करके बनाएं और काले तिल का सेवन जरूर करें। तो इन चीज़ों का सेवन आपको करना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर। जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय पितृदेव।